भाई जी नमस्ते सभी को। और बड़ा गंभीर मसला है। आप ये समझिए कि आपको जैसे हमने रात को बताया था कि हम आपको पहुंच कर बताते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद यहाँ नेटवर्क बड़ा इशू था और जैमर जो है वो लगे हुए थे आसपास में। फिर यहाँ जिन साथियों ने थाने के बाहर बैठ करके अपना धरना जारी रखा था, एक्चुअली थाने से थोड़ा साइड में पार्क में वो लोग बैठे थे, और उनको वो धरना तो क्या उन्होंने आराम से बैठे वो कि रात को जो बाकी के साथी आएंगे उनके साथ में कनेक्ट होंगे और फिर उसके बाद अगली कार्रवाई हम सुबह करेंगे, ये सोच करके वो आराम से बैठे हुए साथी हैं। उधर से तीन चार गाड़ियां आती हैं, चारों तरफ के राउंड लगाती हैं, उसमें कुछ सिविलियन हैं, कुछ पुलिस की वर्दी में हैं। अब वो सिविलियन है कि पुलिस की वर्दी में नहीं मालूम है। बाद में वहां से निकले, जब कुछ लोग उन गाड़ियों से बाहर निकले दो तीन राउंड लगाने के बाद, पूरा रेकी करने के बाद, और दो तीन राउंड लगाने के बाद फिर ताबड़तोड़ लठ बजाने स्टार्ट कर दिए उन लोगों के ऊपर जो बैठे हुए थे। तो तितर बितर होकर के कोई किधर जाने लगा, और उसके बाद में फिर हमारे कुछ साथियों को और उठा लिया गया। इसमें 6 साथी हैं जिनका अभी तक मालूम पड़ा है, जो पूरा कंफर्म हुआ है, जिनको रात को फिर से उठा करके लेकर के गए हैं। अब उनके ऊपर वो कौन सी धाराएं लगाते हैं ये तो उस समय के मतलब पास इसका जवाब है। अभी 7 बजने वाले हैं और 9 बजे तक हम लोग थाने में पहुंचेंगे, क्योंकि 9 बजे उन्होंने पहले कहा था कि आप लोग 9 बजे आइए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अपने साथियों ने कहा कि हमारे और साथी आ रहे हैं और हम बात कर लेते हैं। फिर हम जब थाने के पास वहां पहुंचे, हमें इस बात का मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। तो जैसे ही हम थाने की गली में घुसे तो हमारे साथियों का फोन आया कि ऐसे ऐसे करके हमारे ऊपर ताबड़तोड़ लठ बजाने स्टार्ट कर दिए। वहां अभी क्या है कि जब वहां पहुंचे तो देखा हमने बहुत से लोग पुलिस की वर्दी में और सिविल वर्दी में बहुत मोटे मोटे लट लेके खड़े हुए हैं। हमारी गाड़ी उन्होंने रुकवाई, हमसे पूछा हाँ जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा थाने में जा रहे हैं। क्या बात है? मैंने कहा कुछ साथियों को उठा लिया आप लोगों ने, हमारे साथियों को, और साथी भी आ रहे हैं, बाकी कल को और साथी पहुंचेंगे, हरियाणा से और लोग पहुंचेंगे, आसपास के लोग पहुंचेंगे। तो उन्होंने हमारे को कुछ नहीं कहा कि ठीक है आप जाइए। वापस हम जो बाकी बचे थे साथी उनसे मिले, उनसे मिलकर के उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया, और उसके बाद अभी सुबह 9 बजे हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आपको ये करना होगा कि कॉल का इंतजार करना होगा। ये होटल में हम लोग हैं और जो साथी चल सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो चल पड़िए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जिनके लिए चलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि राजनीतिक समय चला हुआ है, लोग अपना खेतों में तो खैर काम हो गया है, लेकिन लोग पॉलिटिक्स के खेतों में अभी हैं कि शायद उनको कोई फसल जो है वो काटनी बाकी रह गई है, तो उसके लिए वो अभी टाइम लगा रहे हैं और असली चीजों से ध्यान कहीं मुखर है। तो आप लोग यदि वहां से चल सकते हैं तो आप चलिए होटल थाने की तरफ, और नहीं चल सकते हैं तो किसी को भेजिए। यहाँ अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, अगला जो नंबर है वो हम लोगों का है जब हम 9 बजे वहां जाएंगे। तो आपको कोई अपडेट अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिएगा, आपने कल देखा होगा पुलिस वहीं बैठ खड़ी है, वो मुंह बांध कर आते हैं और हमारे लोगों पर सरिये से वार करना शुरू कर देते हैं। जबकि एफआईआर में उन्होंने क्या लिखा है कि हमने हमला किया पुलिस के ऊपर, मतलब अपने साथियों ने जिनको गिरफ्तार किया है। एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने हमला किया, और उसमें कुछ ऐसी धाराएं भी लगाई हैं जो नॉन अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को इसके लिए घर से निकलना होगा। बाकी हम लोग जा रहे हैं, वो हमको गिरफ्तार करते हैं, वो वहां हमारे ऊपर भी दोबारा से लाठीचार्ज करते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और जो दूसरे सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, और लोग हैं जो जनता सरकार मोर्चा को जानते हैं, जिनको मालूम है कि वो अपने काम पे लगे रहे हैं, उन लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या आप तक?
साथी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आप आवाज बढ़ा लीजिए। तो वो जो साथी हैं उन साथियों को अभी उन साथियों को बता दीजिए कि बाकी के जो लोग हैं जो नहीं चले हैं, जो साथ में नहीं आ रहे हैं, वो अपने अपने एरिया के अंदर अब विरोध प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे। आपको सोशल मीडिया पे बोलना होगा, आपको कहना होगा कि ये जो पुलिस ने अपनी दादागिरी चला रखी है कि अपनी मनमर्जी से किसी को भी मतलब कोई भी को उठा के ले जाता है और उसके बाद कोई भी धाराएं लगा देता है, ये कितना सही है। और अगर आप इसको गलत मानते हो तो फिर हमें इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। गलत के खिलाफ तो बोलेंगे, अब भले ही इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में भले ही हमारी जान चली जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त में गुलाम तो देखने ही वाले हैं अगर आप नहीं बोले तो। और अगर आप बोले तो शायद चांसेस हैं कि बच जाएं। कोई तरीका है कि हम सरकारों को, प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर कर पाएं कि सिद्धांतों से हटकर नहीं चलना है, आपको जबरदस्ती लोगों के साथ ऐसा नहीं करना है। बट अगर हम नहीं बोले तो फिर तो गुलामी तय है, और गुलाम जिंदगी से तो मौत बदतर है, ऐसा हम मानते रहे हैं। तो आप लोगों को यही हम कहेंगे कि अभी देर मत कीजिए और इस सिलसिले में आवाज उठाना शुरू कीजिए। अभी यहां पर हम लोग होडल थाने में पहुंचेंगे, वहां के नंबर आप लोगों को भेज दिए गए हैं। आपको कल भी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि जो लोग बाहर बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, या जो दूसरे राज्यों से हैं, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है, तो वो साथी मेल भेजना शुरू करें। जो एसपी है, डीएसपी है, आईजी है, उनकी मेल आईडी निकाल करके होडल की, HODAL, पलवल, पलवल जिला आता है, पलवल जिले का जो एसपी है, PALWAL, तो पलवल जिले के एसपी को मेल करिए, उनको मैसेज कीजिए, बताइए उनको, वीडियो का लिंक भेजिए, लिंक उसके अंदर, मेल के अंदर, और नंबर आपको दिया गया है, आप उनको कॉल कीजिए। क्योंकि यहाँ जो सेटिंग लग रही है वो एसपी के साथ लग रही है, खूब पैसा खिलाया गया है दबा के, और पुलिस जो है वो दबा के उनका साथ दे रही है। ना सच सुनने के लिए तैयार है, ना ही उनको सच से कोई मतलब है, उनको एक ही मतलब है कि कोई भी आएगा उसको रगड़ दिया जाए। तो अगर ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं तो ठीक है, आने वाले वक्त में पैसे वाले आपके गांव में आएंगे और बोलने वालों को ऐसे ही रगड़ना शुरू कर देंगे, और ये तो तैयारी वो पहले से कर ही चुके हैं, बाकी सब आपकी मर्जी है। हम लोग इसमें किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, अभी वो बाकी साथियों को कोर्ट में पेश करते हैं तो क्या कहते हैं, या उनको वैसे ही छोड़ते हैं, ये 9 बजे जाने के बाद पता चलेगा।